हाँ जी फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नई डिश लेके। तो ये हैं पत्तों, अरबी के पत्ते हैं और ये एक टेंडलू बोलते हैं इनको, इनकी भी सब्ज़ी बनती है। तो अभी मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ, मोम बनाएंगे इसकी सब्ज़ी। तो इस तरह अरबी के पत्तों को अलग कर लेना है इन डंडों से, और ये देखिए, और इसकी बनेगी अभी सब्ज़ी, वो भी दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसीजर, ये मम्मी करते हुए इनको अलग। सो ये हैं अरबी के पत्ते, इनको काटा जाएगा डाटी से, फिर इनको कुकर में डाला जाएगा। अभी अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये काटा जाता है। तो कुछ इस तरह से इनको काटा जाएगा डाटी से और कुकर में डाला जाएगा। सो खटाई के लिए इसमें, इस सब्जी को खट्टा करने के लिए इसमें डाली जाती है आम की खट्टियाँ, आम को सुखा के। ये खट्टियाँ हैं, पता होगा काफ़ी लोगों को, इसका आमचूर भी बनता है। ये अभी डाल दिए इसमें, फिलहाल नमक गया है और धनिया जीरा का पाउडर, और एक साइड रख दिया हमने चावल। तो आज एक ये नई सब्जी रहेगी, काफ़ी लोगों ने नहीं खाई होगी अरबी की सब्जी, अरबी के ये कटेंडलू की सब्जी। तो इसमें जाता हुआ पानी, ये है चावलों का पानी, हल्का हल्का इसमें डाला जा रहा है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया, और अभी इसमें और पानी डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसको लगाएंगे ढक्कन, फिर आएंगी दो सीटियाँ, दो सीटियों के बाद फिर इस पे लगेगा घोटा, इसको मतलब एक मिक्सअप किया जाएगा। अभी दिखाता हूँ चटनी जैसे इसको मिक्सअप करना है। ढक्कन अभी लगा दिया है, दो सीटियाँ आएंगी, ज़्यादा नहीं, इसके बाद दिखाते हैं आगे का प्रोसीजर। अरबी के पत्तों की सब्जी जो है वो बन के हो चुकी है इस तरह से रेडी। अब इस पे लगेगा घोटा, लगता हुआ घोटा, इसको किया जाएगा बिल्कुल चटनी जैसे। अभी जाता हुआ इसमें जीरा, और अभी जो घोटा लगाया वो चला जाएगा इसके अंदर और सब्जी हो जाएगी तैयार। ये देखिए कुछ इस तरीके से, वाह वाह। सो सब्जी जो है वो बनके हो चुकी है रेडी। इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक, और ये थोड़ा सा अमचूर, और फिर से थोड़ा सा अमचूर, और इसमें हल्दी नहीं डाली जाती। और सब्जी जो है वो बन के भी रेडी हो चुकी है, इसको खाएंगे हम चावल के साथ। सो सबको थैंक यू, कल मिलते हैं एक नई डिश के साथ।